गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज चैप्टर फर्स्ट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इट मींस द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इन क्लास नाइन्थ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन। बिफोर दिस टॉपिक वी स्टडीड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन मोशन, इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन लाइक अ कार और ह्यूमन बींग्स। But in this chapter, we only consider the object which move around a circle, or we can say that circular motion like a fan revolving on its axis is the example of circular motion. The tires of a vehicle rotating on an axle also an example of circular motion. तो आज का जो पूरा concept है हमारा circular motion के ऊपर है, तो हम topic लेते हैं आज का circular motion. सर्कुलर मोशन प्रैक्टिकली एग्जांपल अपना कि अपने मान लो कहीं पे जा रहे हैं और रोड के ऊपर कोई एक बड़ा सारा सर्कल आ जाता है। इसे हमारी गाड़ी जो है मान लो इधर से आ रही है, इसे मूव करते हुए, तो हमें क्या करना होता है कि अगर इस साइड में जाना है हमने, क्योंकि सर्किल के ऊपर चारों तरफ रोड बनी होती है, तो हम इस प्रकार एक सर्किल के ऊपर मूव करके इस तरफ जाएंगे। अब सपोज करो कि मान लो ये वाला रास्ता है, ये बंद कर रखा है किसी ने और हमें कहते हैं कि ये भी बंद है, आपको वापस जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करेंगे कि पूरा इस प्रकार रोटेशन लेते हुए हमारी यहां आ जाएंगे और फिर वापस इस तरफ चले जाएंगे। तो ये हमने एक जो राउंड काटा है एक सर्किल के ऊपर, ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। इस प्रकार जैसे और भी अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेचुरली जैसे है कि हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करती है, हालांकि उसका जो पाथ है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सर्कुलर पाथ मान सकते हैं। यानी कि जैसे सन होता है वो एक जगह पे ऐसे है और अर्थ जो है वो उस प्रकार एक ऑर्बिट के अंदर घूमती रहती है, तो ये भी लगभग सर्कुलर का अपने एग्जांपल ले सकते हैं कुछ हद तक। अब हम यहां पर बात करते जा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन जो है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी। उसकी डेफिनेशन देखो आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves on a circular path is known as circular motion. Example इसके अंदर हमने जैसे फैन का ले सकते हैं, सीलिंग फैन लगा हुआ है, टेबल फैन लगा हुआ है, वो कंटिन्यू अपनी सर्कुलर रोटेशन अपनी शो कर रहा है। इसके अलावा जैसे मान लो अर्थ का एग्जाम्पल अपनी ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। टॉयज जैसे बच्चों के पास एक ट्रेन होती है प्लास्टिक की बनी हुई, उसमें ऐसे प्लास्टिक का ट्रैक होता है और उसके ऊपर अपने ऐसे ट्रेन चला सकते हैं, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इसी प्रकार कोई एथलीट है जो रनिंग वगैरह कर रहा है ग्राउंड के अंदर, ट्रैक के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो अगर वो ट्रैक सर्कुलर टाइप का है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। हमने अब ये क्या करना है कि यहां पे स्पीड निकालनी है। हमारा आज का जो टॉपिक आएगा वो स्पीड के बारे में आएगा कि सर्कुलर मोशन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो सर्कुलर मोशन या कोई भी मोशन है उसके अंदर अगर वेलोसिटी निकालनी है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या रहता है सर्कुलर मोशन के अंदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये एक सर्किल है हमारे पास, यहां पे हमने लिख दिया पॉइंट ए, यहां से अगर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है और वापिस आकर यहीं पहुंच जाता है, तो उस केस के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमने पढ़ चुका है पहले वेलोसिटी के अंदर कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसकी वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि यहां पर स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि टेक्निकली वेलोसिटी तो यहां पर जीरो होने के चांसेस होते हैं लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी, तो स्पीड हम यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम पूरे का पूरा फोकस यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड के ऊपर लेकर चलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम यूनिफॉर्म वर्ड यहां पे लगा सकते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रोटेशन ले रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लो कि हमारा एक फैन है छत पे अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर रोटेशन होते हैं जिसको हम आरपीएम के अंदर मेजर करते हैं।
आपने देखा होगा कि जो गाड़ी होती है या ट्रैक्टर होता है, कुछ भी व्हीकल है, उनका जो ओडोमीटर होता है उसके अंदर आरपीएम वर्ड लिखा होता है। इसका मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने रोटेशन वहां पे आ रहे हैं। तो अगर हमारा फैन एक मिनट के अंदर 50 रोटेशन ले रहा है, अगले मिनट के अंदर भी वो 50 रोटेशन ले रहा है पूरे, यानी कि एक मिनट में 50 चक्कर वो अपने काट लेता है, अगली एक मिनट में फिर वो 50 राउंड काट रहा है, उसके बाद फिर अगला एक मिनट लेंगे वहां पर, फिर भी उसने अपनी स्पीड है वो सेम रखी है, 50 रोटेशन वो फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम नंबर ऑफ रोटेशन यहां पे जो चीज कंप्लीट करती है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। हम यहां पे निकालते हैं कि स्पीड जो है वो कैसे निकलेगी सर्कुलर मोशन की। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, और डिस्टेंस यहां पर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास यहां पे सर्किल की फॉर्म में है। तो जहां पे सर्किल की बात आ जाती है और हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, वहां क्या निकालते हैं, वहां हम इसकी जो पूरी सर्क्यूमफेरेंस है, सर्क्यूमफेरेंस जो निकलेगी वो डिस्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि सर्क्यूमफेरेंस ये बार बार जो बाउंड्री है इसकी लेंथ होती है कि ये कितनी यहां पे बन रही है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये एक वायर है हमारे पास, इस वायर को अगर हम एक सर्किल की फॉर्मेशन में बना देते हैं ऐसे, ये ऑलमोस्ट एक सर्किल बन गया। अब इस सर्किल की लेंथ कितनी है, तो हमें ये जो आउटर रिंग की जो लेंथ नजर आ रही है, जो वायर की लेंथ है वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किल को एक बार खोल कर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक जो मेजर करेंगे उससे हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम इस प्रकार एक सर्किल ले सकते हैं और सर्किल से एक स्ट्रेट लाइन बनाए, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो फिर वहां पे हमें सर्क्यूमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करना पड़ता है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड निकलेगी उसके अंदर डिस्टेंस की जगह पे सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr और अपॉन में टाइम के लिए हम टी यहां पे लिखेंगे। तो इसलिए सर्क्यूलर मोशन के अंदर स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2πr बाई टी आ जाता है। अब जैसे मान लो ये सर्किल है हमारा, इसके अंदर हमें रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट करके हम सर्क्यूमफेरेंस निकाल सकते हैं और उसके बाद टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किस तरह के आएंगे वो देखो, एग्जांपल अपन यहां पे लेंगे, एक एग्जांपल यहां पर अपने ये ले रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ। अब इसमें कई बार कहता है कि कई बार डायरेक्ट रेडियस वर्ड दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, कई बार डायमीटर भी दे सकता है। तो अगर मान लो अपने को डायमीटर गिवन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर मान लेते हैं अपने, इसके अंदर कुछ भी अपने ले सकते हैं, जैसे मान लो कि 70 मीटर का डायमीटर है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 70 मीटर, इट कंप्लीट वन राउंड इन 2 मिनट, फाइंड इट्स स्पीड। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास, 70 मीटर डायमीटर देखे है, एक सर्किल है उसके अंदर, और डायमीटर आपको पता है कि ये पूरी जो लेंथ होती है जो इसके सेंटर से होकर जाती है वो 70 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 35 होगी, 35 ये रह जाएगी और यहां से लेकर 35 मीटर जो है वो इधर रह जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, जो मैंने पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस की बात आएगी तो 2πr से निकलेगा। किस कंडीशन के अंदर, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक सर्किल के अंदर मोशन कर रहा है, अपॉन में टी आ गया। अब यहां पे पहले रेडियस जो है वो इसकी आएगी डायमीटर अपॉन में 2, डायमीटर 70 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे 35 मीटर रेडियस आ गई, वो वैल्यू आपने पुट करनी है, आपने 2 into, अब पाई की वैल्यू 22/7 हम ले सकते हैं, 3.14 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 2πr की जगह हमें लिख दिया, लेकिन अपॉन में टाइम वाला टी भी पड़ा है, टाइम दिया हुआ 2 मिनट, तो 2 मिनट को आपने सेकंड में चेंज करना है, 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड। तो इसके अपॉन में हम 7 के साथ 120 भी मल्टीप्लाई में लगा देंगे। अब 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पे चला गया, 5 into 2 10,
वो 10 का 22 से मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय आ जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा आ जाएगा 11/6। 11 को 6 से डिवाइड अपन करेंगे तब यहाँ पे 1 पे चला जाएगा, 5 रहेगा पॉइंट के साथ 0, 8 पे जाएगा अभी 48, 2 और 0 3 पे, तो इसके अंदर जो स्पीड आएगी वो 1.83 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इस प्रकार हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कई बार सैटेलाइट वगैरह का न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकता है कि कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर या सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में है, वहां पर आपको उसका डायमीटर गिवन होगा या रेडियस गिवन होगी और हम उस प्रकार यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे कई बार अर्थ का आ जाता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट अपना पाथ है वो कंप्लीट कर रही है और उसकी स्पीड निकालो। अब हमें पता है कि स्पीड निकालने के लिए हमारे पास कम से कम अपने एक राउंड की अगर बात करें तो अर्थ पूरा एक राउंड 365 डेज और 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है, तो वो पूरा टाइम हम यहां पे लेंगे और उसको हम सेकंड के अंदर चेंज करेंगे और वो वैल्यू उसकी जो 2πr की वैल्यू निकलेगी पूरे ऑर्बिट की उसके साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पे अर्थ की स्पीड निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, आपने बस ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल के चारों ओर मूव करता है वो सर्कुलर मोशन आएगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगी, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे एक जैसी स्पीड के साथ कंटिन्यू सेम टाइम में सेम वो अपना टाइम लेता है राउंड पूरे करने में, तो वो यूनिफॉर्म का एग्जांपल होता है। और न्यूमेरिकल निकालने के लिए हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम का फॉर्मूला और डिस्टेंस निकालने के लिए 2πr ये फॉर्मूला इसमें रहेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है वो चैप्टर कंप्लीट होता है, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।